दोस्तों देख रही है आपके सामने जो ये सांप है, इस सांप का नाम है तक्षकनाग। तक्षकनाग का बारे में हम लोग बहुत सारा स्टोरी पढ़े हैं, हमारा हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा कहानी है। तक्षकनाग राजा परीक्षित को काटा था और ये सांप में इतना जहर होता था कि उनकी पत्नी जो है शिव जी का आराधना की, तपस्या की, उसके बाद जो है वो उनको बचाया। तो ये पूरी तरह मुझे कहानी तो पता नहीं है, लेकिन ये सांप जो देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत कहा जाता है ये सांप। ये एक नारियल का पेड़ में, अक्सर फूलों का पेड़ में घुसता है और घुसने के बाद इसमें देखिए दोस्तों शहद पीने का कोशिश करता है ये, और छोटा लीजर, छोटा पंछी को पकड़ता है। ये इस जगह में आया हुआ था देखिए, और इसको इसका अभी स्केल जो है, केचुल जो है पुराना हो चुका है, जैसे इससे नया होता जाएगा इसका। देखिए बॉडी में इसको कहा जाता है कि इसको राजा परीक्षित के जो पत्नी है उनको इस सांप काटने के बाद इनको खूबसूरत सजाए थे चंदन और लाल चंदन और टीका, अलग अलग चीज़ से इसको सजाए थे। उसके बाद ये प्रसन्न कराए थे, किए थे, उसके बाद जाके उनको पति का जान वापस आया था। इस कहानी का पूरा आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह पता नहीं है। तो ये सांप जो है इसका बारे में अंधविश्वास ये है, देखिए दोस्तों ये तक्षकनाग, ये काटने के बाद आदमी बचना नामुमकिन है। तक्षकनाग, ये तक्षकनाग जो ये एक्चुअली काल्पनिक नाम है इसको, लेकिन ये रियल में तक्षकनाग जो है नॉन वेनमस, पूरी तरह बिना जहरीला सांप है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और इसको बहुत सारा आदमी बहुत सारा चीज़ कहते हैं कि ये काटता है, काटने के बाद जो है ये जब तक उसका जो मरीज का जब तक उसको शमशान में जलाया ना जाए तब तक वो ये जो है उस जगह से जाता नहीं है उस, और ये जहाँ तक उस बंदे को जो जिसका मृत्यु हो जाता है उसको लेकर जाते हैं वहाँ तक पीछे पीछे करता, जब तक ये देख नहीं लेता है तब तक ये वहाँ से हटता नहीं। तो ये बहुत सारा कहानी है। तो ये सांप देखो दोस्तों, देख लीजिए ये पूरी तरह नॉनवेनमस बिना जहरीला सांप है और अटैक नहीं करता, कम करता है। ज़्यादातर नेपाल साइड में इसका बहुत और खूबसूरत कलर का पाया जाता है, नेपाल में कमल फूल का देखे होंगे पानी में, कमल फूल उस जगह में इसको ज़्यादा देखा जाता है। कमल फूल में भौरा आता है और बहुत सारा वहाँ शहद भी पीता है, और कोई लिजर्ड जाता है, छोटा छोटा लिजर्ड वो शहद खाने के लिए चल जाता है, उसको ये शिकार करता है। और एक हम छोटा सा दोस्तों ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, एक ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ एक वीडियो कि एक शख्स नदी में गए थे तालाब में, और वहाँ पर उसका कान में सांप घुस गया, कान में सांप घुस के मुँह से निकाल लिया और वो बंदा डेथ कर गया। पहले डिस्प्ले में देख लीजिए दोस्तों, दोस्तों आप देख रहे थे जो शख्स है, जो बच्चा है लड़का, हमको लगता है 16-17 साल का होगा, वो शख्स का कान में डला हुआ, बगल में एक आदमी ये कह रहे हैं कि ये कान से घुस गया और वो मुंह से निकल गया सांप, आदमी का जान, लड़का का जान चला गया। और आप ऐसा कभी नहीं करें, कभी तालाब में जाए तो सोच समझ के जाए, देख के जाइए। ये डर जो अंधविश्वास फैला रहे, डर फैला रहे, इससे बहुत आदमी हमें कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे बापीदा इसके बारे में सही वीडियो बनाइए, बताइए। एक्चुअली आप देख रहे हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक सांप कान में घुसे और मुंह से निकल जाए, ऐसा नहीं। वो सांप जो है वो नॉन वेनमस बिना जहरीला सांप है, लेकिन लोगों का उस उन वहाँ आसपास में जो व्यक्ति बात कर रहे हैं बंगला से बोल रहे हैं, ये बांग्लादेश, ये बंगाल का होगा। तो ये सिर्फ जो है व्यू पाने के लिए और वायरल होने के लिए लगभग 40-50 मिलियन गया है, उसमें बहुत पैसा उनको आया हो, लेकिन इस वीडियो को पब्लिक को कुछ अलग दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो सांप के बारे में जितना नॉलेज देते कोई देखता नहीं वीडियो। तो ऐसा अल्टर वीडियो बनना चाहिए, ऐसा एक्सेटेड वीडियो बनना चाहिए, ऐसा थोड़ा अनोखा वीडियो होना चाहिए ताकि लोग देखें। तो दोस्तों देख रहे जो वहाँ पर कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं कि बच्चा मर चुका है और आप ऐसा ना करें, और देख रहे हैं कि जो लड़का है वो सांप कैसे पकड़ कर रखा हुआ है, जब ये रखा हुआ है वो मरा कैसे, मरा नहीं है। दूसरी बात, बार बार वो छटपटा रहा, अपने उंगली से दबा रहा है वो लड़का, तो लड़का को क्या किया गया, ये जो सांप है ये इंडियन चेकरेट किल, जिसको धामिन धोड़ सांप कहा जाता है, ये सांप नॉन वेनमस होता है, पानी में रहता है, ये सही है। इसको क्या किया गया, इसको सांप को काट दिया गया, काट के एक टुकड़ा मुंह में डाला गया है और एक टुकड़ा पूंछ तरफ से काट के कान में डाल दिया गया,
और उसको ऐसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये सांप जो है कान से घुसा मुंह से निकल गया ये पूरी तरह, और सांप भी मर चुका है। सांप को देख के रहे, अगर सांप एक्टिव होता तो मरता नहीं। और दूसरी बात, कान में इतना बड़ा सांप घुस के मुंह से कभी निकल नहीं सकता है। और ये सिर्फ अंधविश्वास फैलाने की बात है। अभी जो ये इंडियन चेकरेट किल बैग नॉन वेनमस है, और ये ऐसा वीडियो बहुत सारा अक्सर मिलता है देखने में। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, एक शायद ये थाईलैंड का है या चाइना का है, एक व्यक्ति ने एक गिरगिट टाइप का है, सांप नहीं होता, एक लिजर्ड है, उसका मुंह को कान में जो एक जगह में रख दिया है पूंछ को, और उसको दिखा रहा और मुंह भी है, तो देख लग रहा कि सांप घुस गया हुआ अंदर में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह गलत है। ऐसा वीडियो पब्लिक को अंधविश्वास फैलाता है, आदमी को डराने का कोशिश किया था, ऐसा नहीं। तो दोस्तों, हम जो अभी सांप रेस्क्यू कर रहे हैं, ये सांप जो देख रहे थे, इसको तच्छा ना कह रहे थे, ये इसका नाम है ऑर्नामेंटल स्नेक, नॉन वेनमस, पूरी तरह नॉन, बिना जहरीला सांप है। ये सांप से कोई ख़तरा नहीं आना, इसमें कभी जहर था, लेकिन काल्पनिक बनाया दिखाया गया है कि इसमें पहले था, उसके बाद भगवान का श्राप देखे इसको पूरी तरह जहर मुक्त करा दिया। इस सांप में पूरी तरह जहर नहीं है, तो ये सांप कभी भी देखे इसको मारा नहीं। बहुत ही खूबसूरत सांप है, और ये हमारा देश में धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि सांप लोग को उसको खास करके जो स्नेक सवार है, स्नेक चार्मर, ये जो इस सांप को लेके ज़्यादा इधर उधर पिटारी में ले जाकर दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, कि धीरे धीरे मर जाता है। इसको नहीं, किसी के पास देखे तो उसको तुरंत ही खूबसूरत सांप को छोड़ दीजिए। ये भारत का सबसे खूबसूरत सांप कहा जाता है इस सांप को। तो उसको आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।